दरअसल यह मामला सागर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा है। सिविल लाइन थाना पहुंची छात्रा ने बताया कि वह रोजाना की तरह कॉमर्स विभाग की क्लास में गई और पढ़ने लगी। तभी वहां आकर मोहित पांडे ने कट्टे की धमकी देकर मुझे डराया धमकाया, जिसका मैंने विरोध किया तो लड़के ने मेरे साथ मारपीट कर दी। क्लास के अंदर और भी अन्य छात्र मौजूद थे। छात्रा ने बताया कि यह लड़का कुछ दिन से उसे रास्ते में भी छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसका विरोध नाबालिग लड़की कर रही थी। पीड़िता लड़की का कहना है कि लड़का उसे बार बार कहता था कि पुलिस प्रशासन में अच्छी पकड़ है, जिसकी रौब दिखाकर मुझे डराया धमकाया करता था। उसे कुछ दिन पहले भी इसने रास्ते में लड़की का हाथ पकड़ा था, जिसका विरोध नाबालिग लड़की ने किया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। क्या मामला निकल कर आया विश्वविद्यालय से? विश्वविद्यालय से एक सुरक्षा अधिकारी का फोन आया था कि कॉमर्स का जो कॉमर्स क्लास है उसमें एक लड़का है, वो उसके बैग में शायद कोई पिस्टल है, तो वो आप वहाँ किसी पुलिस को भेजो। तो यहाँ से पुलिस गई थी, उसे एक लड़के के बैग के जब तलाशी ली तो उसमें पिस्टल निकली। लड़के को लेकर आए हैं, उसका नाम मोहित पांडे है, फर्स्ट ईयर में पढ़ता है वो। अब उससे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मैटर है, किस बात के लिए पिस्टल लाया था, कहाँ से लाया था, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप चाहिए सर पिस्टल ये लाइसेंस ही है या अवैध? नहीं, अवैध है सर। जानकारी ये भी लगी कि किसी लड़की को शायद कोई धमकाने का कोई मामला है या लड़की का कोई मैटर चल रहा था वहाँ पर। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या मैटर है, किस बात पर विवाद हुआ और क्यों पिस्टल लेके आ रहे कॉलेज में। एक लड़की भी अभी रिपोर्ट कराने के लिए थाने में बैठी हुई है। हाँ, तो वो उनका क्लास का है, उससे बात कर रहे हैं। और अगर उनका मैटर है उसी लड़की के, शायद ऐसा कुछ पता चला कि लड़की से कुछ विवाद हुआ उसके कमेंटमेंट करने पर, तो उसकी लड़की के कंप्लेंट पर ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो लड़की से अभी मारपीट हुई थी क्या पहले या जान समान धमकी दी गई है? अब ऐसा पता कर रहे हैं, अभी जानकारी नहीं मिली। ऐसा थोड़ा लड़की ने बताया कि हमारे कुछ थोड़ा पीछे एक दो दिन पहले भी विवाद हुआ था। एक लड़का है हमारी क्लास का जो रोज मतलब कमेंट करता था गंदे गंदे और मतलब छेड़ता ही था। उसके बाद फिर 8 तारीख को हम लोग बाहर खड़े थे मैं सारे फ्रेंड्स के साथ, तो फिर वो हम लोग के पास आया। फिर उसने बोला कि मेरे बैग में रेडियम कटर है, ज्यादा मुंह मत चलाना। फिर वो गाली गलौज करने लगा और मुझे गंदी नजरों से देखने लगा, और फिर वो गाली गलौज की। उसके बाद उसने बोला कि लड़की हूँ बच के रहना, समझ जाओ। मतलब सीधे तरीके से तो बोलूँ तो उसने रेप की भावना से ऐसा बोला था। फिर आज 8 तारीख मतलब आज 11 तारीख है, आज 11 तारीख की बात है। तो जब हम स्कूल मतलब कॉलेज आ रहे थे तो उसने फिर बाहर भी मतलब देख के वो स्माइल कर रहा था। फिर जब मैं क्लास में गई तो भी वो स्माइल कर रहा था। फिर एक पीरियड होने के बाद 11 बजे के समथिंग मैंने उससे बोला क्यों छेड़ रहे हो, मतलब रोज छेड़ते हो तुम, रोज कमेंट करते हो। तो फिर वो देख के हंसने लगा, फिर उसने गाली दी, फिर उसने गलत इरादे से मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ मोड़ा। उसके बाद फिर मैंने उसका विरोध करा तो उसने मुझे 2 चाटे और 3 पंच मेरे मुंह पे बहुत तेजी से मारे, जिसकी वजह से मैं डेस्क पे गिर गई। उसके बाद फिर मेरा दोस्त बचाने आया तो उसने उसको भी मारा, और फिर उसने मेरे से बोला कि आज तुम छुट्टी मिलो तो मैं खेल खत्म हो जाएगा, मतलब जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब टीचर्स आए उनने बैग चेक करा तो उसके बैग में से रिवॉल्वर मिला, मतलब रिवॉल्वर से वो आज मेरे को मारने वाला था। कहाँ पढ़ते हो आप, कहाँ की घटना है ये पूरी? ये डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी। क्लास के अंदर की घटना है या परिसर? हाँ, ये क्लास के अंदर की घटना है, और सारे बच्चों ने देखा था कि उसने मुझे मारा और रिवॉल्वर भी उसके बैग से निकली थी। तुमको बोला कि रिवॉल्वर से मार देंगे, ऐसा कुछ बोला? 3 दिन पहले क्या हो गया था? 3 दिन पहले नहीं, ये 8 तारीख की बात। उनका आरोप है कि आपने भी कई लड़की ले जाके उसके साथ मारपीट की थी, लड़की के साथ 10-15 लड़की ले जाके आज से 3-4 दिन पहले। उधर बहुत सारे लोग थे, किसी से भी पूछ सकते। हम लोग खड़े थे, वो खुद हम लोग के पास आया था और उसने गाली गलौज करी और मतलब छेड़ा वगैरह जो अभी हमने आपको बताया। नहीं, ये आज की घटना बता रहे हैं आप? नहीं, ये 8 तारीख की है। 3 दिन पहले वो आया नहीं था, ये 8 तारीख की घटना। अभी आपकी शिकायत दर्ज हो गई थाने में? हमने वो FIR लिखवा दिया, तो आप वो लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे दिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? BCom फर्स्ट ईयर। FIR करोगी इसकी? हाँ करेंगे। किदाजी नामा? नहीं, FIR ही करेंगे, क्योंकि वो रिवॉल्वर लेके आया था। अगर टीचर्स नहीं देखते तो आज तो वो हमें मार ही देता, और जो हमें बचाने आता उसको ही मार देता। उसका कहना है कि आपने एक धमकी दी थी कि मेरे सब पुलिस वाले हैं, बंद करवा दूंगी। ऐसा आपने कुछ नहीं बोला था, उसी ने बोला था कि देख लेना छुट्टी मिलना तो मैं काम हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी अपने घर वालों को बुला लूंगी, देख लेंगे। उसने ऐसा बोला था, और फिर मतलब ये हमने आपको सब बता दिया है। और उसने मारा ऐसा कि मेरे खून आ गया था ओट से, और ये पूरी क्लास ने देखा था, पूरी क्लास गवाह है कि उसने मेरे को मारा था और मुझे खून भी आ गया।